बहुत सारी औरतें क्या है, रमजान में रोजा नहीं रखती। क्यों? पान खाने की आदत है, पान चबाती रहती है, रोजा नहीं रखती। बहुत सारे नौजवान भी ऐसे हैं, बीड़ी चुट्टा पीने की आदत है इसलिए रोजा नहीं रखते हैं। और बहुत सारी औरतें ये समझती हैं कि हम अपने मर्दों को सहरी और इफ्तारी में पकाएंगे वही बहुत बड़ी इबादत है। सहरी में हम 2 बजे उठ करके खाना पकाती हैं और दोपहर में 2-3 बजे से ही इफ्तार की तैयारी, पकोड़े बना रही हैं, गंजी बना रही हैं, ठंडा शरबत तैयार कर रही हैं और उसके बाद इफ्तारी के बाद बिरयानी बन रही है, 3-4 किस्म के मुरग्गन सालन बना रही है। तो वो औरतें ये समझती हैं कि बस यही हमारा रोजा है। हालांकि ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरतों के ऊपर भी रोजा फर्ज है। सहरी और इफ्तारी का खाना बनाने से तुम्हारा रोजा माफ नहीं होता। और तरावी तो औरतें बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हैं। तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ना जिस तरह मर्दों के लिए जरूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी जरूरी है। मर्द के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में आकर के जमात के साथ पढ़े, औरत के लिए मसला यह है कि वो घर में पढ़े, 20 रकात पढ़े। जो सूरत तुझे याद है वो पढ़ लो। मर्द तो तरावी में आकर के 1 घंटा 1.25 घंटा खड़ा रहेगा। जितनी देर तरावी होगी, तरावी में 1 पारा हो 1 पारा वो सुनेगा, 1.5 पारा हो 1.5 पारा वो सुनेगा, उसके ऊपर जरूरी है। औरत के लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। उसको जो सूरतें याद हैं, अलम तरा, कुल या अय्युहल काफिरून, जो उसको याद है 20 रकात में वही सूरतें वो पढ़ा करे। मर्द अगर तरावी में 1 घंटे में 1.25 घंटे में फारिग होता है, औरतें 15-20 मिनट में फारिग हो जाती हैं। इसके बावजूद हमारी औरतें तरावी की नमाज नहीं पढ़ती। अहम ड्यूटी है उनकी रमजान में, क्या? सीरियल देखना। रमजान में भी वो नहीं छोड़ती है। अरे रमजान आ गया है, कम से कम इस शैतान को बंद करो। नहीं बंद करते। आजकल तो नई नई टीवियां आ गई हैं, जितनी बड़ी दीवार है उतनी लंबी टीवी, जितनी लंबी दीवार है उतनी लंबी चौड़ी टीवी है। खाने को चाहे पैसा ना हो, टीवी जरूर 2-3 लाख रुपए की घर में लोग ला करके रखते हैं और उसको फखर समझते हैं। घर जब आदमी बनाता है, टीवी के लिए स्पेशल दीवार मुंतखब करता है कि ये दीवार है, इसमें टीवी को लगाना है और इधर उधर स्पीकर लगाना है, डिसकनेक्शन के लिए पाइपलाइन इधर से आएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जहन्नम को ले जाने वाला सामान टीवी घर में रखा हुआ है। अब मर्द नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं, नहीं आएगा तो कोई आदमी उसको पूछेगा, क्या बात, रमजान में भी तू मस्जिद को नहीं आया ना, तरावी की नमाज नहीं पढ़ा। वो शर्मिंदगी की वजह से वो आ जाता है किसी तरह। औरतों को कौन पूछने वाला है? ना उसका बाप पूछता है, ना शोहर पूछता है, ना बेटा कुछ आजीजाना दरखास्त करता है, कोई पूछने वाला नहीं। आजू बाजू की सारी औरतें कुप्पा बैठ करके एक घर में मीटिंग कर दी, सहार में क्या पकाते हैं आपा, क्या तो स्पेशल तुम ना सालन है तो हम ना बोलो, हमारे मर्दवाने को आज खुश करना है, स्पेशल क्या तो है तो बोलो, अच्छा अच्छा पका के डाले तो सतामी को नया जोड़ा आता, नहीं तो गले में पहनने के लिए कोई नई चीज वो ला करके देंगे। इस तरह की बेकार की बातों में वक्त गुजार देती है लेकिन तरावी की नमाज नहीं पढ़ती। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो जा करके अपनी औरतों को समझाए। माँ है तो उसके पैर दबा करके प्यार से समझाए, बीवी है तो उसको अपना दोस्त समझ करके मोहब्बत से समझाए, बेटी है तो उसको भी प्यार से शफकत से समझाए, बहन को भी समझाए कि देखो रमजान का महीना है, ये रमजान का महीना जिंदगी में बार बार आने वाला नहीं है। एक मर्तबा मेहमान आया है इसका इकराम कर लो। जिसका रमजान अच्छा गुजर गया पूरा साल उसका घर अच्छा रहेगा।
मेहमान जो आ रहा है उसका इकराम करेंगे, पूरा साल हमारा अच्छा रहेगा।